हाँ यार, वेलकम बैक यार। तो आज प्लेसमेंट अपडेट के बारे हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। तो जून तक हम लोग का प्लेसमेंट चल रहा था, ठीक है। जून तक प्लेसमेंट चलेगा कॉलेज में। पता नहीं ये लोग ऐसा क्या किया है, इस बार बारिश हो रहा है प्लेसमेंट का, ठीक है। तो गूगल भी आया था ना प्लेसमेंट के लिए, तो गूगल ने शायद, अभी देखते हैं, एक लड़का को 28 लाख का दिया। ECE का लड़का है, ठीक है। और अभी देखेंगे डिटेल में हम लोग, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है इस साल यार, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा इम्प्रूव होने वाला ना। हम पहले भी बता दिए थे कि जैसे ही प्लेसमेंट अपडेट आएगा वैसे ही हम आपको बता देंगे। तो 2 दिन पहले गूगल में आया था कॉलेज में, और गूगल ने हाईएस्ट एवर पैकेज दिया है 28 लाख का, ठीक है। 28 लाख का ECE स्टूडेंट को दिया है ना। और अभी तक 750 जो टोटल बैच स्ट्रेंथ था उसमें 508 लड़का का प्लेसमेंट लग चुका है, ठीक है। और 508 लड़का का जो प्लेसमेंट लगा है, अभी जून तक प्लेसमेंट चलेगा। अभी प्लेसमेंट चल रहा है, तो जैसे जैसे प्लेसमेंट लगता रहेगा ना हम बताते रहेंगे, ठीक है। और जो जिसका 28 लाख का प्लेसमेंट लगा है उसका नाम शैलाश आनंद है, ठीक है। बीटेक ECE का स्टूडेंट है ना। तो उसको टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर का रोल मिला है गूगल में, ठीक है। और जो है इलेक्ट्रिकल से, यार इलेक्ट्रिकल का बैच स्ट्रेंथ 99 का है, उसमें से 78 का अभी तक जॉब लग चुका है, ठीक है। 78 लड़का का। और इस बार प्लेसमेंट अभी अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, और 78 का लग चुका है ना। तो इस बार प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा रहा, हद से ज़्यादा अच्छा रहा है ना। प्लेसमेंट विंग भी कह रहा था इस बार कि इस बार का प्लेसमेंट जो IT कंपनी बड़ा बड़ा आया है उसकी वजह से प्लेसमेंट बहुत ही सही रहा है इस साल का, ठीक है। यहाँ तक कि 15 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा है 9.45 लाख पर एनम में ना। वेदांता में लगा है लगभग 9.5 लाख 15 का, और प्रोडक्शन का स्ट्रेंथ कितना, 54 लड़का का। और भी प्लेसमेंट लगा है पर 15 लोग का 9.45 लाख का लगा है, ठीक है। फिलिप्स आया था यार, फिलिप्स 28 जनवरी को आया था। गूगल भी 28 जनवरी को आया था। ये लोग दोनों, फिलिप्स 5.25 लाख इलेक्ट्रिकल का 2 लड़का को ले गया, ठीक है। एक केमिकल को ले गया, ठीक है ना। और सैमसंग इंटर्नशिप देने लगा है यार, मैओब इंटर्नशिप देने लगा है कंपनी में। तो प्लेसमेंट विंग बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हुआ है ना। और आने वाले टाइम में जूनियर्स जो पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट इम्प्रूव होगा, प्लेसमेंट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पहले जो इनएक्टिव था ना, CSE, ECE और IT डिपार्टमेंट, ये जो जिसमें प्लेसमेंट कम लगता था, अब इसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। तो फिर चौंकिएगा मत अगर आने वाला टाइम में जूनियर लोग जो कल भी पूछ रहे थे कि अगर 50 लाख का अगर आप सुन लीजिएगा किसी को प्लेसमेंट लगा है, क्योंकि गूगल आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, आने वाले टाइम में जियो भी आएगा। तो ये लोग छोटा पैकेज देता नहीं है, ठीक है। मास रिक्रूटर है नहीं, भले 2 लड़का को ले जाएगा पर बड़ा पैकेज पर ले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ भी, जो कट ऑफ सीट मिलना मुश्किल हो रहा है, 94-95 जा रहा है, इसी रीज़न से जा रहा है ना। तो प्लेसमेंट विंग जो इनएक्टिव था, घनश्याम सर जो इनएक्टिव रखे थे, अब वो एक्टिव हो गया ना प्लेसमेंट, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा यार पूछ देना ना कमेंट सेक्शन में। और भी वीडियो आएगा प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि प्लेसमेंट हम लोग का जून तक चलेगा, ठीक है। जून तक प्लेसमेंट चलने वाला। तो जैसे ही प्लेसमेंट अपडेट आएगा कॉलेज की तरफ से, जैसे ही अच्छा प्लेसमेंट लगेगा वैसे ही हम वीडियो उसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। ठीक है, तो वही बोलने वाले थे यार कि गूगल भी आया था 28 जनवरी को और ले गया 28 पे। और जो बताएं, जो जो कंपनी आया था, प्रोडक्शन से भी उठाया लड़का लोग को, ठीक है। 66 लड़का को 6 लाख के जॉब पे कोइग्निजेंट ले गया है, ये सब बता दिए थे पहले, चलो ठीक है।